Hey guys, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सो चैनल गाइस आज हम लोग सी एस आर एसआर कल्याणम मंडपम मंडपम कल्याणा मंडपम, तो जो ये नया मूवी आने वाला है। ये एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है। तो इसका ट्रेलर मैं 5 घंटा पहले ही आया है, तो देखते हैं कि ट्रेलर कैसा है। तो उससे पहले हम बता देते हैं कि इस मूवी का जो म्यूजिक डायरेक्टर वो है चैतन भारद्वाज। हाँ सो गाइस, हम लोग का ये जो तेलुगु लैंग्वेज की जो फिल्म के ऊपर हम लोग आज रिएक्ट करने वाले, बहुत ही नया है। और हम लोग ने इस जो हमें जो थंबनेल से जो पता चला है, हम लोग ने शायद इस एक्टर के ऊपर पहले मूवी नहीं किया है, एक्टर या एक्ट्रेस। एक्ट्रेस के ऊपर कोई भी रिएक्ट नहीं किया है। सो बहुत ही नया है एंड बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत नया सब कुछ, हमें न्यू फेसेस देखने को मिल रहा है। सो वेरी एक्साइटेड है। एंड अब बता दो कि डायरेक्टर और कास्ट कौन कौन है। सो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो है श्रीधर गाड़े, और जो कास्ट है वो है किरण अबावरम, प्रियंका जवलकर, और डायलॉग किंग साई साई कुमार, कुमार, और तुलसी श्रीकांत यंगर, और थनिकेला भरानी, अरुण, अनिल, भरत एंड किटाया, बहुत सारे तो जो बहुत कि सारे हैं। हाँ तो शायद ये पूरे कास्ट के नाम दिए गए हुए हैं, मतलब जो जो है। सो अभी हम लोग ज्यादा देर नहीं करते हुए जल्दी से देखते हैं, और उसके बाद बात करेंगे कैसा लगा है हमें। सो गाइस ज्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये एलिट एंटरटेनमेंट्स। मैं गर्लफ्रेंड्स ले रहा लग बोतल का नडू मुल लेवा न्यू फेस। किरण अबावरम, प्रियंका जवलकर, क्या यही दोनों मींस लीड में है? यही है। ను వెట్లా చూసినా నేను ఎప్పటికీ నీకు పడను రా, నువ్వు ఎప్పటికీ నా దృష్టిలో కుక్కవే. అరే నేనేమన్నా సింధు, కుక్కలైనా చూసుకోవే. ఇదిగో నీ ఒళ్ళో మన పెట్టుకో, నా బొచ్చు నెమురు, అప్పుడప్పుడు ఆ చంపుకో ఈ చంపుకో రెండు ముద్దులు పెట్టు, కుక్కలైనా చూసుకోవే. కాలేజీలో స్టూడెంట్స్ शायद कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर पूरा, मतलब जो कॉलेज का लव स्टोरी होता है, फ्रेंडशिप होता है। हां मतलब कॉलेज का पूरा स्टोरी వాళ్ళతో నాకు ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలనిపిస్తుంది. నేను అలాంటి ఇంటర్కల్ నిలుచుకుంటున్నాయి సార్. ఇలాంటి బ్యాక్ బెంచ్ స్టూడెంట్ లో వాళ్ళ కదరా, మాలాంటి వాళ్ళకి చెడ్డ పేరు వచ్చేది. చదువుకోరా, వస్తున్నాడు చూడు మీ నాయన, ఏదో యుద్ధంలో 100 మంది తలకాయలు నరికిన యోధుడిలాగా. నీ అమ్మ నీ ఒక్క తలకాయ నరికితే చాలు, ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు. ఏం లేదు, మా ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపంలో మేము పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఎవడరా నీ కళ్యాణ మండపంలో పెళ్లి చేసుకునేది? ఎవరంటే మందు పట్టి చేసుకున్నాం. చిన్నప్పటి నుంచి ఈడు ఒక్కడిని కూడా కొట్టడమే చూడలేదు. ఎరా కొట్టగలవా? पूरा टीजर देख लिया, टीजर बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो एसआर कल्याणा मंडपम जो मूवी का नाम है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा प्रोनाउंस करने पहले पहले प्रॉब्लम हो रहा था, आप समझ गए एक्चुअल में नाम क्या है। तो गाइस ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाला है, और जो कैरेक्टर्स थे, मतलब जो किरण अभिराम थे और प्रियंका जवलकर, दोनों के रोल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे बहुत हम लोगों अच्छा को। लगा जो बेसिकली जो हीरो था उसका रोल बहुत ही, मतलब बहुत फन। उसके बाद जो वो आया ना, एकदम क्या बोलूं मैं, जो हीरो टाइप आता है कि दुश्मन को मारते, चेंजेस बहुत अच्छा, एक्शंस एक्शंस मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो एक एक जो सीन था, तो स्टोरी कुछ डिफरेंट होने वाला है मुझे लग रहा है। तो ये एसआर जो कल्याणा मंडपम, शायद ये कॉलेज का नाम है या फिर वो कोई ग्रुप या बिजनेस खोलते हैं उसका नाम रखते हैं, क्योंकि बहुत सारा पोस्टर्स भी लगा रहे थे। तो ऐसे मतलब बहुत सारा कुछ समझ में आ रहा था, और फिल्म में बहुत सारा कुछ कॉमेडी भी होने वाला है, तो मतलब बहुत ह्यूमर होने वाला है लग रहा है।
सो मतलब जो ये एक्चुअली में जितना टीजर देख के पता चला कि वो लोग का एक ग्रुप होता है, फिर कॉलेज लव जैसा होता है, उसके बाद वो लोग कुछ करना चाहते हैं लाइफ में आगे, या कुछ कुछ ग्रुप खोलते हैं, सो हर चीज में वो चार दोस्त मिलके कुछ करते हैं, करना चाहते हैं, हर चीज में रुकावट आता है, सो इसमें भी विलन तो होगा जो ये नहीं होने देंगे, सो इतना कुछ हमें समझ में आया ये देख के। इसमें कैप्शन नहीं था तो कैप्शन के बिना हम लोग ने जो विजुअल्स देखा, विजुअल्स हम लोग ने समझने की कोशिश किया और कुछ हद तक समझ में भी आ गया, तो और जो हम लोग समझ में नहीं आया तो वो आप कमेंट हम लोग को बोल दीजिए। हाँ। लेकिन ये जो टीजर था, एक ट्रीट था, बहुत ही ज्यादा मतलब मस्त था, अच्छा लगा। अच्छा लगा जो ये एक बिग कैरेक्टर था ना, जो फादर का रोल में भी कर रहे थे, उसका जो ये रोल प्ले था मुझे वो बहुत ही अच्छा फन लगा। जो रोल जिसमें वो क्या तरबूज तो खा रहे थे, उसके बाद वो जो बाहर के आंटी सब धाका झाकी कर रहे, सुन रहे झगड़ा हो रहा है, बारिश में भी छतरी लेके सुन रहे की कैसा क्या चल रहा है, ऐसा मतलब बहुत वो पार्ट बहुत अच्छा लगा। म्यूजिक लेकिन जबरदस्त था, जबरदस्त था। तो गाइस आज के लिए भी बस इतना ही रखते हैं, अगर आपकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सामने जो बेल आइकन उसको दबाना मत भूलना, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन में जाए। हाँ गाइस, ढेर सारे कमेंट कीजिए, ढेर सारे शेयर कीजिए, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। एंड गाइस अगर आपने कोई वीडियो रिक्वेस्ट किया होगा वो यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं है, शायद वो ब्लॉक हो गया होगा, तो वो इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा, और अगर आपको वहाँ पे नहीं मिला तो आप रिक्वेस्ट वहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, हम लोग जरूर करेंगे, तो बहुत सारी रिक्वेस्ट बाकी वो हम लोग जल्दी से जल्द करेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।